हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आपका पोस्ट कोड एट फोर्टी टू का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले आपके स्टाइनोटेपस्ट का जो एग्ज़ाम था उसको डिस्कस करने वाले हैं so, सो हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें तो हम उसको देख लेते हैं तो so, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है द चेयर मैन ऑफ पब्लिक अकाउंट अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज़ अपॉइंटेड बाय तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन अ स्टेट असेंबली तो इतने कितने रहेंगे इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फाइव हंड्रेड रहने वाला है नेक्स्ट है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर पार प्रेजिडेंटशिप इन इंडिया इज़ तो कितनी होती है आपकी मिनिमम एज कितनी होती है थर्टी फाइव ईयर्स होती है सी इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर नॉट द एक्स ऑफिशियल मेम्बर्स ऑफ द तो किसके नहीं होते वो आपके नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल के नहीं होते हैं सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच इज़ दाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया तो आपको पता है बहुत ईजी का क्वेश्चन क्वेश्चन था तो आपका जो रहता है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर तो कब होता है नाइनटीन फिफ्टी वन में होता है फर्स्ट so टाइम कब हुआ था 1951 में अमेंड हुआ था नेक्स्ट है आपका हु अपील्स द हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो कौन अपॉइंट करते हैं इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला अस्ट उसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कौन अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते है नेक्स्ट है इलेक्शंस फॉर द पंचायत इज डन बाय तो कैसे जाता किया जाता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज तो कौन होता है आपके अटॉर्नी जनरल होता है ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज स्पोकन नेक्स्ट टू हिंदी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बेंगाली रहने वाला है बंगाली जो है आपकी बेंगाली जो है वो आ, बहुत इन लार्ज नंबर जो है वो इसको स्पीक करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज़ बिग्स्ट इन साइज अमंग इट कौन सा बिगेस्ट है तो आपका अर्थ बिगेस्ट है नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द मूनलाइट टू रीच सो so, इस पर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो वन पॉइंट थ्री रहने वाला है नेक्स्ट है हरिकेन्स आर साइक्लॉनिक स्टॉम्स इन दी तो कहाँ होते हैं वो वेस्ट है पैसिफिक ओशन में इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज तो क्या बोला जाता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है नेक्स्ट है वॉटर वीपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन तो क्या रिजल्ट होता है कंडेंसेशन में वो रिजल्ट कर जाता है नेक्स्ट है बिसाल्ट रॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके इग्निस रॉक्स का ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट है विच इज़ अ वॉर्म ओशन करंट तो इसमें से जो आपका है कुरोशियो शियो जो है कुरोशियो जो है वो है आपका वॉम करंट नेक्स्ट है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सनवाना कंसिस्ट ऑफ तो इसमें वहाँ पे कौन सा होता है आपके सनवाना में तो आपके सवाना में वो होती है आपकी शॉर्ट ग्रासेस नेक्स्ट है आपके द कैपिटल ऑफ युगांडा इज तो आपका कम पला इज द राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है द अर्लियर नेम ऑफ सूरी वाज तो uh, आपके सूरी नाम का जो पहला नाम था वो क्या था आपका वो था आपका डच गयाना बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द दंगेस्ट माउंटेन रेंज इन दर्ल्ड इज तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है है नेक्स्ट आपका सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट कौन सा होता है सैंडी सॉइल जो होता होता है है वो बहुत हार्ड कल्टिवेशन एडवांस्ड इन शिप बिल्डिंग तो सबसे ज्यादा एडवांस कौन सी रहेगी तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो जापान रहने वाला है नेक्स्ट है आपका द विच इज द मोस्ट बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट तो वो है आपके नॉर्थ अटल्टिक रूट बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट जियोलॉजिकल एज इज मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, होगा बाकी अगर आपको करेक्ट आंसर पता है मेरे हिसाब से तो होलोसिन रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनसुलर इंडिया इज तो यह रहेगा आपका कोदावरी इसको क्या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है नेक्स्ट आपका है नॉर्थ ईस्ट मॉन्सून ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल टू कहाँ चेन्नई को बुलाता है नेक्स्ट लाता है दिस इज द लार्जेस्ट साउथ मोस्ट सौदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज तो कौन सा है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका इडुकी डैम इज ऑन विच रिवर तो कौन से रिवर पे है आपकी परिहर परियार रिवर पे है ये नेक्स्ट है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किस चीज़ का है वो टी का है चाय का है नेक्स्ट है कैरेट इज़ ऑरेंज इन कलर बिकॉज ऑफ बिकॉज उसके पास क्या होता है कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन इसमें एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से ऑरेंज ये कलर होता है नेक्स्ट है प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर इज कॉल्ड एज तो क्या बोला जाता है उनको उनको बोला जाता है जीरो फाइट्स नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेकिंग द चेकिंग अटोमिक ब्लास्ट मैनुफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल सीवरेज ट्रीटमेंट ऑल ऑफ दीज तो इसमें से क्या है आपका सी विल बी द करेक्ट डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिस विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटेंट इन इंडिया तो इसमें कौन सा आपका चीता हैव बिकेम एक्सटिंट जो एशियाटिक चीता होता है वो एक्सटिंट हो गया है लाइक से पेस्टि पेस्टिसाइड्स आर यूज टू तो डिस्ट्रॉय सी इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला सी पॉइजनस प्लांट्स को भी वो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी कर देता है इंसेक्ट्स को भी करता है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं एज बेस्ट सो आई डो नॉट नो द करेक्ट आंसर फॉर इट कन्फ्यूजन है इसमें तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट है ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज़ नोन एज तो उसको क्या बोलते हैं आपका इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है नेक्स्ट है विच इज़ एन आर्टिफिशियल इको तो इक्वेरियम विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वट इज़ लाफिंग एज तो क्या है वो आपकी एंड नाइट्रो नाइट्रस ऑक्साइड नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कंपाउंड तो इसमें से आपका जो ब्लैंक ब्लैक लेड है वो कोई कंपाउंड नहीं होता बाकी सारे क्या है कंपाउंड है नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कौन सा होता है आपका सिल्वर होता है नेक्स्ट है विच वराइटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंट वो आपका पैरक्स ग्लास जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने होते हैं सेवन फोर्टी सिक्स वॉट्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशियंट इंजन एस तो कौन सा होता है आपका डीजल अ, होता है बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन कैलविन स्केल इज तो कितना होता है थ्री टेन कैलविन इज़ द करेक्ट आंसर अगर हम इसकी बात करें सेल्सियस में तो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस रहते वाला है और अगर हम फिर में करें तो नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फेरोनाइट इसका रहने वाला है नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट क्लान इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर नेक्स्ट है कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन कौन से पार्ट होता है आपके आई का पार्ट होता है कॉर्निया नेक्स्ट है विच इज़ विच डिजीज इज़ हेरिडेटर मतलब कौन से आपकी अनुवंशिकता के हिसाब से आपको आता है तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है हिमोफीलिया नेक्स्ट है आपका गो ग्लूकोज सिरप इज़ मेडअप फ्रॉम तो किससे बनता है वह आपके वीट से बनता है बी वीट वुल बी द करेक्ट आंसर स्टाची कंपाउंड से बनता है वैसे तो राइस में भी होता है बट वीट में ज़्यादा होता है नेक्स्ट है टाइफाइड इज अ डिजीज़ ऑफ तो किस चीज़ का होता है आपके लिवर का होता है नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रिक लैम्प वॉज डिस्कवर्ड बाय तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी रहने वाला है नेक्स्ट है आपका एक्साइज ड्यूटीज़ आर आर टैक्स ऑन तो किस चीज़ में होते हैं वो आपकी सेल ऑफ़ कमोडिटीज में भी होती है और प्रोडक्शन भी होती हैं तो um, मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर्स तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए नेक्स्ट है द नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ सब्सिडिशरी ऑफ तो किसका है आपके रिजर्व बैंक के है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है नेक्स्ट है हु सेड वेयर हेल्थ वेल्थ एक्लोमेंट डी डिके इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ये गोल्ड स्मिथ ने बोला था नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कम्पाइल्ड बाय तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका uh, सेंट्रल सिस, सिस्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन सी एस ओ विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका बैंक रेट पॉलिसीज इज कंपाउंड ऑफ तो इसमें जो आपका फिफ्टी फिफ्थ का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मॉनिटरी पॉलिसी रहने वाला है कल वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे आज भी पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट है आपका कोर सेक्टर इंडस्ट्री डू नॉट इंक्लूड तो यहाँ पर आठ चीज़ें मैंशन की गई है और उसमें से शुगर नहीं है ठीक है नेक्स्ट uh, है आपका द फर्स्ट कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास वॉज हेडेड बाय तो किसने की थी इसमें जो आपका करेक्ट आपका के एस uh, काले करने की थी करने की थी तो इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द क्वार्टर्स ऑफ आई एम एफ इज सिचुएटेड इन कहाँ हैं ये आपके वॉशिंगटन में है आपका नेक्स्ट है आपका गिल्ट एज मार्केट मीन्स तो आ, इसका है आपके मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन हम अभी सॉल्व नहीं करने वाले हैं इनको इग्नोर कर देते हैं साथ में देखते हैं नामरूप रूप विच वॉज रिसेंटली न्यूज़ फॉर इट्स यूरिया प्लांट इज़ लोकेटेड ऑन दिस स्टेट तो कहाँ है आपके आसाम में है नेक्स्ट है आपका वट इज़ एबल सेवेंटी हुज पिक्चर वॉज रिसेंटली शेयर्ड बाय द नासा तो क्या है वो आपकी गैलेक्सी क्लस्टर है वो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर यूनिट हैज़ रिसेंटली ज्वाइंटंड विद हिमाचल प्रदेश टू इम्प्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन दिली एरियाज़ तो आपके पावर ग्रिड ने यह किया है नेक्स्ट है विच विद रेफरेंस टू स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया हैज़ रिसेंटली टीम विच विच कम कंट्री तो आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है